अवंतिका, ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? अवंति, तू जा, मैं आती हूँ। अवंति सुनो, मुंह लटकाए खाए बैठी हो, हंस नहीं सकती? बाप रे बाप, ए, तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ, ये है ना सही सवाल। मेरा नाम शिवा है, अंबोली गांव से आया हूँ। तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के क्या लड़की है? इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका, अब बोल, कौन है तू? मैं सच कह रहा हूं, मैं वो जल पर्वत चढ़ के केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूं। बताता हूं, सब बताता हूं, सारी बात बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंधार, ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं, तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं। अब दर्द हुआ।
ये तो मेरा झरने के पास गिर गया था। मतलब तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके आए मेरे लिए। इसके पीछे जो मुस्कान है वही देखने तो आया था इतनी दूर से, लेकिन अब तक दिखी नहीं।